नमस्कार एवरीवन, आई एम योर एप्टीट्यूड टीचर स्मिथल मैम। बिफोर स्टार्ट वी विल प्रे सरस्वती वंदना, राइट? सो जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आईज। आवर एप्टीट्यूड क्लास, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर 7 टाइल्स एंड we did our assignment 31, right? I hope you don't have any problem to understanding this topic, right? And is assignment mein what we did? Yes, we match pattern with tiles. Means pattern diya tha एंड आपको उसी पैटर्न की टाइल्स को मैच करना था, राइट? नाउ व्हाट इज टुडेज असाइनमेंट? आज क्या करना है हमें? टुडे वी विल नॉट मैचिंग। आज हमें मैचिंग नहीं करना है। टुडे वी हैव टू रिकॉग्नाइज, मींस हमें पैटर्न को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, राइट? सो लेट्स ओपन पेज नंबर 36। यस, राइट CW एंड टुडेज डेट। यस, व्हाट इज टुडेज डेट? 26 एंड विच मंथ इज गोइंग ऑन? 12th। 12th मींस डिसेंबर 2020, right? 26-12-2020. And which day is today? Yes, Saturday. Today is Saturday, right? Assignment 32. The tiles in bracket 1-6. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Have been rotated. Can you identify these tiles? Means, yes, kids, यहाँ पे आपको 6 tiles दी है और नीचे वही tiles को rotate करके दिया है। तो ऊपर जो tiles दी है आपको नीचे वाले part में उसको identify करना है। Yes. Yes, same. You have been given 2 parts. In first part, आपको 6 tiles दी है. And in second part, आपको वही tiles को rotate करके दिया है. So, what you have to do? आपको क्या करना है? First part की जो tiles है, उसको recognize means identify करना है इस second part में, और यहाँ पे नीचे box में आपको उसके answers लिखने हैं, right? Now kids, rotate means what? Yes, rotate means क्या है? Look at this tile. Yes, ये एक टाइल्स है, ओके? उसमें अलग अलग पैटर्न्स दिए हैं, यस, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। एक टाइल से उसमें 4 स्क्वायर दिए हैं और हर एक स्क्वायर में अलग अलग पैटर्न दिए, अलग अलग डिजाइन दिया है, ओके? इसको हमें क्या करना है? यही सेम इस पार्ट में दिया है, तो सेकेंड पार्ट में इसको रोटेट करके दिया है। लाइक रोटेट मीन्स ये अभी पैटर्न ऐसा है, तो आपको सेकंड पार्ट में कैसा देंगे? ये ऐसा रोटेट करके देंगे, राइट? अगर ऐसा दिया है तो ऐसा देंगे, ओके? रोटेट मीन्स समझ में आया आपको? यस, वेरी गुड। लेट्स सी द फर्स्ट पैटर्न किड्स। यस, लुक एट दिस। ये सेम वही मैंने ड्रॉ करके आपको अभी समझाया था, ओके? ये देखो, लुक एट हियर,
एज इट इज ए सॉरी यस सेम है दोनों पैटर्न यस इसको हमें रोटेट करना है और यहां पे आइडेंटिफाई करना है राइट लुक एट दिस इसको हमने ऐसे रोटेट किया यस देन यहां पे जो इस स्क्वायर में सर्कल है वो कहां पे आ गया यहां पे लुक एट दिस ये सर्कल यहां पे है वो रोटेट करने के बाद यहां पे आया तो इस पैटर्न को आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है रिकॉग्नाइज करना है यस यस सी लुक एट दिस वन यस इसी पैटर्न को यहां पे रोटेट किया है सो व्हाट इज अवर आंसर यस सी यस सो हम ये आंसर कहां पे लिखेंगे यहां पे ओके गुड नाउ लेट्स सी द सेकंड टाइल्स यस सेकंड टाइल्स में भी फोर स्क्वायर दिए है यू हैव बीन गिवन फोर स्क्वायर इन वन स्क्वायर यस आपको सर्कल दिया है देन लाइक काइट शेप है दिख रहा है आपको काइट जैसा शेप है यस ओके सो इसी टाइल्स को हमको रोटेट करना है मीन्स ऐसे करना है ओके अगर यहाँ इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो सर्कल है वो यहाँ पे आएगा सो सेकेंड पार्ट में हम फाइंड करते हैं इस पैटर्न को यस इस स्टाइल को यस दिस वन इज नो नो यहाँ पे भी देखो सर्कल है बट दिस इज नॉट लाइक दिस यस यस देखो ये सर्कल यहाँ पे है और इसको अगर हम रोटेट ऐसे करेंगे तो ये सर्कल यहाँ पे आएगा सो लुक एट दिस पिच टाइल्स दीज आर द सेम यस बस उनको रोटेट किया है सो व्हाट इज आंसर यस एफ सो राइट हियर एफ ओके नाउ लुक एट दिस थर्ड टाइल यस लुक यहां पे भी आपको यू हैव बीन गिवन फोर स्क्वायर यस इन फर्स्ट स्क्वायर यू हैव टू कर्व शेप एंड सेकेंड स्क्वायर एक्स देन थर्ड यस स्टैंडिंग लाइन है एंड फोर्थ स्क्वायर में ट्रायंगल है ओके तो यहां पे इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो ये ऐसे टाइल्स हो जाएगी राइट तो ये जो एक्स है यस वो कहां पे आएगा यस नीचे आएगा एंड दिस कर्व शेप इज कहां पे आएगा ये कर्व शेप यहां पे आएगा सो लेट्स फाइंड इन सेकेंड पार्ट यस विच वन इज द राइट आंसर यस लुक एट दिस ये ऐसे टाइल्स है इसको हमने ऐसे किया राइट तो ये जो शेप है वो ऐसे शेप आया ना सो लेट्स फाइंड इन सेकेंड पार्ट यस लुक एट दिस ए टाइल्स इज सेम यस बस इसको ऐसे टर्न किया है लुक एट हियर राइट सो व्हाट इज द आंसर यस थर्ड टाइल्स सेम लाइक ए टाइल्स बस उसको रोटेट किया है सो व्हाट इज द आंसर यस A. So, right here, A. Right. Now, let's see fourth tile. Yes. Fourth tile में जो H दिया है आपको, yes. इसको अगर हम ऐसे है, वो ऐसे rotate करेंगे, so ये H है, वो कहाँ पे आएगा? Yes. नीचे box पे आएगा ना? So, let's find. In second part, yes, see, these are the same, right? So, we have to write here, yes, E. Okay, now let's see fifth tiles, yes, look at here, this is symbol of plus. Then curve shape like small triangle, then one
triangle and then circle. So इस टाइल को हम अगर रोटेट करेंगे yes, तो ये प्लस सिंबल है वो कहाँ आएगा yes, यहाँ पे आएगा ना right? So let's find in second part yes. Yes, these are the same. Yes, these are the same. बस इसको यहाँ पे रोटेट किया है. देखो ये जो ट्राइंगल है वो इस पार्ट में आ गया. ये जो प्लस का सिंबल है ये इस पार्ट में आ गया. राइट राइट साइड में आया. सो दीज आर द सेम. सो व्हाट इज आंसर ऑफ फिफ्थ. फिफ्थ यस बी. सो राइट हियर बी. नाउ लेट्स सी लास्ट सिक्स्थ वन. यस यस यहां पे भी यू हैव बीन गिवन फोर स्क्वायर. ओके फोर स्क्वायर में फोर अलग अलग डिफरेंट पैटर्न दिए हैं. यस इन वन स्क्वायर वी हैव यस हमें क्या दिए हैं स्लीपिंग लाइन्स. एंड नेक्स्ट स्क्वायर यस दिस इज द ट्रायंगल. देन नेक्स्ट स्क्वायर सर्कल दिया है. एंड फोर्थ स्क्वायर यस प्लस सिंबल. राइट सो किड्स इस पिक्चर को हम अगर ऐसे रोटेट करेंगे सो यस ये जो ट्रायंगल है वो कहाँ आएगा यस इस नीचे बॉक्स में आएगा. राइट यस मीन्स ये ऐसा आएगा यस. एंड ये जो स्लीपिंग लाइन है वो अगर इसको हम टर्न करेंगे तो ये जो स्लीपिंग लाइन है वो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी. राइट सो यस लेट्स फाइंड दिस टाइल्स इन सेकेंड पार्ट. यस यस लुक एट दिस. ये जो स्लीपिंग लाइन्स है वो यहाँ पे आएंगे ना रोटेट करके ऐसे है तो ये ऐसे आएंगे. यस तो ये स्टैंडिंग लाइन बन जाएगी. राइट यस सो दीज आर द सेम टाइल्स. सो व्हाट इज आवर आंसर. यस डी. राइट यस. नाउ किड्स we had completed our chapter 7 tiles. Right? I hope you understood this chapter. Thank you. Bye-bye.